कुछ भी हिस्ट्री नहीं मालूम है सर, जिनसे बात हुई नहीं, बस उन्होंने भिजवा दिया यहाँ पे। हाँ मेरे को बोला बस लेके जाओ, पीछे के पैर नहीं चल रहे बस। हाँ पीछे का नहीं चल रहा है, ऐसे ही बैठा था पेड़ के नीचे, पता नहीं किसी का है। ये बोलो ना, वो बंदे भी हेल्प कर रहे थे अपने घर रखा था, पर वो सोच रहे हैं कि ठीक करवा देंगे वहाँ पे जाके। ये दनूटू में किसी को मिला होगा, कुछ भी नहीं मालूम है लोग कहाँ से आया, क्या हुआ है इसके साथ, बस उन्होंने भिजवा दिया। और जब हमने बताया कि भैया वहीं पे ट्रीटमेंट कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, कि उन्होंने बोला अपने ड्राइवर को कि नहीं भाई छोड़ दो, कहीं पे भी छोड़ दो उसको। इस डॉग में स्पाइनल डैमेज है, जो इसके लास्ट थोरेसिक जो वर्टिब्रेज हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको स्वेलिंग है। एब्डोमेन में पैल्पेट करके देखा तो उसमें ऐसा हमें डाउट लग रहा है कि शायद हर्निया भी है इसको, लेकिन ये कन्फर्म एक्सरे से हो पाएगा। ये भी जाना चाह रहा है आज। चल भाई खड़ा हो निकल फिर, ये इतना हिला भी नहीं, देखो नीडल स्टेडी हो गया, इतना हिला ही नहीं अभी, मसल टाइट है ना इसका, जवान जवानी भी अभी जवानी में तो है ही, जवान फोन है इसका, तो इन निडल टेडी होने से कुछ होता नहीं है ना। लास्ट प्रसादा एट पीपल फार्म। आजा 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 आजा, चलो चलो घूमी करना, चलो इसकी कॉलर है नहीं खोल रहा। हमने रेशम को रिलीज किया ना, लेकिन उसका बोन अभी तक पूरा हील नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्यों रिलीज कर दिया उसको? जो उसके केयर टेकर्स हैं ना काफ़ी सिंसियर हैं, और ये वो लोग उसको घर में रखते हैं। जब हमने बीच में भी इसको, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चला है, तो बीच में भी पोस्ट ऑप के लिए उनके पास ही कुछ दिन रहा था, तब भी बिल्कुल ठीक ना, जब हमारे पास वापस जगह हुई तो हमारे पास शिफ्ट हुआ। और ये जो सिचुएशन है, इस टाइम तक ना सिर्फ क्लीनिंग और ऑइंटमेंट लगानी है इसको, हम हर तीसरे दिन में जाके इसका रीचेक लेते हैं। तो अभी भी डॉग बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया था। कल ऐसे ही खड़े रहना अपने सर, तबीयत में आराम है क्या सर? तुम क्या कह रहे थे? मैं पूछा सर तबीयत में आराम पड़ा आपके? नहीं मैं उसी डायलॉग के लिए तो तारीख पूछ रहा था कि देखो आज 7 तारीख हो गई, भी हालत खराब ही। दूसरे टाइम जाना भैया हमने वहाँ पर, कहाँ वो जो उसने वो तोड़ लिया बक हॉस्पिटल। अच्छा लास्ट कैंची भी है ना उसके पास। यार आज एक और मुसीबत भी है हमारी, हमने वो जो सेंचुरी ले रखी है ना, उसका रास्ता अब एक साथी में वो है, क्या कहूँ, शराबी आदमी है, वो रोक रहा है कि भाई मैं जाने नहीं दूंगा, जबकि रास्ता हमारा है, खरीदा हुआ है। पागल हो जा रहा है उस पपी को देख के सुबह से, और इसको मेरे ख्याल से इसके दिखने में फ़र्क है, क्योंकि मैं देखो इसको मैं अभी बताता हूँ तुम्हें, मैं मजाक नहीं कर रहा, आई थिंक इसके विजन में इशू है। झिलमिल झिलमिल, मैं आवाज़ कहाँ से आ रही है वो देख कर रहा है, झिलमिल। अब या तो सुनने में फ़र्क है या देखने में फ़र्क है, देखो कुछ ऑफ है ना, है भी थोड़ी पगड़ी सी है, मुझे या तो दिमाग में राजा आज तो उसको एक बार काम में कहीं झिलमिल को, झिलमिल ये लो झिलमिल, इसको पता नहीं लग रहा आवाज कहां से आ रही है। मुझे फील नहीं हो रही, जब मैं कल इसको शूट के लिए निकाली थी ना तब तो ये रिस्पांस कर रही थी और पीछे पीछे दौड़ रही थी मेरे। सोना और जग्गू को भी रिलीज किया है ना? हाँ जग्गू का तो ऐसा है कि उसका बहुत सीवियर टीवीटी था, लेकिन हम उसको पहले ट्रीट ऑन स्ट्रीट ही कर रहे थे, पकड़ने में मुश्किल होती थी, उसके बाद यहाँ पे 4 डोज कंप्लीट हो गए, और अभी क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली हो गया, और हम जो बचे हुए 4-5 डोज हैं, मतलब कि 1 महीना और हम उसको यहाँ रखते, उससे अच्छा हम वहीं पे उसको ट्रीट कर सकते हैं, अभी फ्रेंडली है, बहुत आराम से पकड़ में आ जाता है, तो इसलिए उसको वहाँ छोड़ दिया। और जो सोना है उसकी एम्पुटेशन हमने की थी एक्सीडेंट केस के वजह से, अच्छे से हीलिंग हो गई, हमने अडॉप्शन की ट्राई की, उसके लिए हमने उसको 15 दिन एक्स्ट्रा हमारे पास रखा, बट और ज़्यादा दिन रखने का हमारे पास चांस नहीं था, क्योंकि रेस्क्यूज करने थे तो उसको रिलीज करना पड़ा। इसका नाम सोना है, इसको भाई नगरोटा छोड़ना है। अच्छा अच्छा, और ये इसका नाम क्या होता है, क्या जैको, इसको कहाँ छोड़ना है भाई? इसको पटियाला में छोड़ना है। आपके यहीं से गए थे सर जी? हाँ जी। तो अब आप इसका ध्यान रखेंगे थोड़ा? और सर बिल्कुल रखेंगे ध्यान। तो भैया कैसा लग रहा है आपको कुत्ता आपको पास वापस आ गया? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब जैसे इसका ट्रीटमेंट स्ट्रीट चलेगा तो आप इसका केयर टेक केयर करेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। जाकू ला, जाकू ना, नाराज हो गया आपसे? जाकू ले चुप, आ जा। डॉग का रेस्क्यू हो रहा है, उसको ट्यूमर हो गया है। कहाँ पर है सर डॉग? वहाँ पे हो गया। इसको 2-3 मंथ्स हो गए इसको ना, पहले मतलब छोटा था,
डे बाय डे इसका बढ़ता आ गया साइज ना तो आपने पहले क्यों नहीं कॉन्टेक्ट करने कोशिश करी कॉल करी थी मैंने बट तब आपके पास ना स्पेस नहीं था जिस डॉग को रेस्क्यू करके लेके आए ट्यूमर वाले डॉग को उसने क्या कराया है गाड़ी के अंदर उल्टी कर दी और लेटरिंग कर दी पूरी गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा स्मेल हो चुकी है हमने सोचा था कि इसका केज चेंज करके दूसरे केज में डालते हैं अक्सर जब हम रेस्क्यू पर जाते हैं स्पेयर केज अपने साथ लेके चलते हैं बट हमें डर था कि ये भाग ना जाए तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा तो इसलिए इसको हमने दूसरे केज के अंदर शिफ्ट नहीं करा है और अब हम इसी स्मेल में इसी बदबू में पीपल फार्म तक जाएंगे। नवीन भाई को ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी आप तो बिल्कुल पास बैठे हो कोई ना वॉलंटियर साहब वो तो बहुत ही ज़्यादा नहीं यहाँ तो हवा आ रही है फिर भी हवा के साथ थोड़ा ज़्यादा स्मेल आ रही है। आज सुबह की शुरुआत ही लड़ाई झगड़े से हुई है जब हमारी टीम यहाँ हमारे सैंक्चुरी में घोड़े खचरों को खाना डालने आई है तो उन्होंने बताया कि जी पड़ोसी ने रास्ता रोक दिया है जबकि ये रास्ता हमने तभी खरीद लिया था जब हमने सैंक्चुरी के लिए लैंड खरीदा था। अब इन्हें ये है कि ये हमसे थोड़ा पैसा खसोड़ लें मैं एक नया पैसा इन्हें नहीं दूंगा पर हाँ ये ज़रूर है कि अब पुलिस स्टेशन जाओ कचहरी के चक्कर काटो और बैठे बिठाए टाइम खराब होगा। लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि धर्म के काम के लिए तो इन्हें वैसे ही रास्ता दे देना चाहिए ये रास्ता तो हमने खरीदा मरा हुआ है और तब भी ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। चिंगारी अरे 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 मैं खाने के लिए नहीं लाया भाई तेरे लिए कुछ आज से तुम्हारे रास्ते के लिए लड़ना पड़ेगा चार्ली मेरा बच्चा इसको नहीं बताना आप लोगों को भी नहीं पता एक्चुअली कल संजू की डेथ हो गई लेकिन नेचुरल डेथ थी और ओल्ड एज से हुई है। मुझे कभी कभी लगता है कि ना बॉस होने का एक बहुत बड़ा नुकसान है कि जब तुम हताश होते हो ना तुम ईमानदारी से ये भी नहीं बता सकते तुम हताश हो क्योंकि तुम्हारे को देख के और भी लोग हताश होते हैं। ये तो है गिरना मतलब सब तो ठीक है कट ही गिर रहा अब तो कुछ नहीं हो रहा कोई लड़ने आए तो बस कर लेना क्या मतलब कर ले ये बात भी करती है सर बात भी करती है मतलब अब म्याओ बोलो ये म्याओ बोलेगी ट्राई करते हैं कैमरे पे देखना मेरी वो फेलियर हुआ तो वैसे ही म्याऊं कर रही है म्याऊं वो वैसे ही करे जा रही है म्याऊं म्याऊं तुम बल्कि उस गैप में म्याऊं बोल के तुम कंफ्यूज कर रहे हो उसको फ्रेंडली है ना ये तो हां ओए ओए इसका ट्यूमर था ना ऐसे घंटी सा वो ट्यूमर भी रिमूव कर दिया है हमारी टीम ने स्पेस सर्जरी भी कर दी है रिकवरी थोड़ी लंबी चलेगी लेकिन उसके बाद फिर ये रिलीज हो जाएगी। गुड इसके लिए कोई नाम आप लोग सजेस्ट करना डॉक्टर साहब इसका डायरिया बहुत ज़्यादा वो नहीं होता ज़रा पतला एक्चुअली थोड़ा डायरिया इसको था पर उसकी परसों डी वॉर्मिंग हुई थी ना उसके बाद से उसको ज़्यादा हो गया तो अभी हम उसके डायरिया को कम करने के लिए उसकी मेडिसिन शुरू कर रहे हैं। कल किसी ने हर्ब्स भेजे थे डायरिया के लिए कल मेरी छुट्टी थी तो मुझे आइडिया नहीं है किसी ने डायरिया के लिए उन्होंने लिख के भेजा और उन्होंने बोला कि ये ड्राई हो गए ना अगर ड्राई नहीं खाएंगे डायरेक्टली तो आप उसको पाउडर करके दे सकते हो ना तो क्या करने वाले हो आप गाइस डीप क्लीनिंग करना है आज काउ शेड का पहले मैट्रिक्स सारे बाहर निकलवा लो ना मैट्रिक्स राधा दीदी मैट्रिक्स कहना चाहती हैं चुप रहो पर उन्होंने कल मैट्रिक्स फिल्म देखी थी तो उनके दिमाग में मैट्रिक्स रह गया मेरा चुप है ना मैंने कल से बॉस फाइनली घर जा रहा है और घर नहीं आर्मी कैंपस में जा रहा है ये देश की सेवा करेगा लकी है। मॉर्निंग में मुझे सर का फोन आया उन्होंने मुझसे सारे डॉग्स के बारे में पूछा था और उन्होंने बोला कि ठीक है हम आके देखते हैं और मुझे पहले पता नहीं था लेकिन सर अचानक ही आए और उन्होंने सारे डॉग्स देखे उनके साथ टाइम भी स्पेंड किया बॉस रेडी है अडॉप्शन के लिए तो उन्होंने पहले बॉस को ही प्रेफर किया और उन्होंने हमें ऑफर भी दिया कि अगर इसके साथ और कोई फ्रेंडली है तो वो उन्हें भी ले जाएंगे बट अभी बॉस के साथ हमने किसी और को इंट्रोड्यूस कराया नहीं है तो हम फिलहाल तो बॉस पे फोकस कर रहे हैं और इसको भेज रहे हैं यहाँ से इसके बाद यहाँ से पोस्टिंग बॉस की जम्मू हो जाएगी अच्छा अभी अगली बार किसी को मिलना हो या फॉलोअप चाहिए तो जम्मू से लेना होगा इसकी फैमिली बहुत बड़ी होने वाली है मतलब एक दो या पांच लोग नहीं वहाँ पे जितने लोग होंगे वहाँ पे ओपन ही रहेगा होपफुली और जो एरिया रहेगा इसका वो एटलीस्ट हमारे कैनल से तो काफ़ी बड़ा होगा हाँ, वो तो पूरा कैंट होगा ये हाँ जी ये बॉस के लिए थोड़ा एक्साइटेड थैंक यू सो मच तो ये अभी करवाती है ना इलाज अच्छे से बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पर एक गाय आई थी आहट उसकी एक साल तक हमारे पास ट्रीटमेंट चलेगा क्योंकि उसकी हड्डी बढ़ गई थी जबड़े के वहाँ से
तो अब साहिल भाई उसको आटा खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस आटे में हम उसको दवाई मिला के देंगे। खा गई सर। तो आटा खिलाना तो सक्सेसफुल हुआ। डॉक्टर साहब क्या नाम है इस दवाई का? डाशिमाइड। और यहाँ पे गिरते हुए साहिल ने बचा लिया। जो कितने दूंगा, एक बूंद नहीं, कितने वेस्ट ना हो दवाई हमारी। ए लो सर, ए लो सर। आलू वाले परांठे सुना सर आपने? खा लेती है, थोड़ा मुँह खुलता नहीं है इसका। अब खा गई सर। आपको पता लगा होगा कि संजू बाबा एक्सपायर हो गए, तो आप कुछ मोमेंट्स शेयर करना चाहोगे जो आपने उसके साथ व्यतीत करे हो? संजू का जो लास्ट मोमेंट मेरे साथ था, उसने मुझे राजा से बचाया था। राजा पीट रहा था मुझे और संजू ने फिर राजा को भगाया। संजू संजू सर, मैं आपको एक बात बता दूं, संजू जब गया है ना अपने साथ, बड़े सारे सीक्रेट्स वो साथ ले गया, क्योंकि वो क्लिनिक में घुस घुस के जो उसने पन्ने खाए, जो उन पे लिखा था, वो सिर्फ संजू को ही पता था। उसके अलावा उसने कभी परेशान नहीं किया, मतलब ना वो मारता था ना कुछ, और वो काफ़ी मैच्योर और अपनी जगह में बैठे रहना। शाम को हम उनको खोल देते थे, और अगर मेरा आना हुआ दोबारा नाइट टाइम में किस काम से, तो मैंने उसको हमेशा देखा है कि हाँ वो अपना आजू बाजू में बेटी जी, मीमी और ऐसे सारे जो छोटे हैं बकरे या दूसरे जानवर आस पास में बैठे होते थे, या वो खेल रहे होते थे। तो एक जो मोमेंट होता था ना देखने का, जब संजू यहाँ होता था और चार्ली को हम लेके आते थे, या जब भी वो दोनों इकट्ठे होते थे, चार्ली संजू को आवाज़ मार के बुलाता था। संजू उसको दिखाई नहीं देता है, तब तक वो चिल्लाता रहता था कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। उन दोनों की फ्रेंडशिप बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। कोई याद आती है उसकी? आती है याद। अब तक 5 साल से अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, उसके साथ अटैचमेंट है, तो याद तो आएगी। अब संजू एकदम ही बीमार पड़ा और चला गया। अरे दुख तो होगा, या कोई एनिमल्स की हम जितनी सेवा कर रहे हैं और वो अगर चला जाता है तो दुख तो होता ही है। विंगर ने चढ़ा दिया इसके ऊपर। क्या मैम? विंगर विंगर गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दिया। हाँ, पीछे से टायर चढ़ गया। विंगर वाले ने तो काफी कोशिश की बचाने की, फिर भी लगी गया पीछे से। हो सकता अगर नी थोड़ा सा हटाता तो ऊपर से चला जाता। एक जगह पर थोड़ी स्पाइन दब गई है, उसकी वजह से सेंसेशंस कम हो जाती हैं पिछली टैंक में, और वो मोटर रिफ्लेक्स का भी नहीं आता। ठीक हो जाएगी वैसे ही, वो ट्रीटमेंट पे रखना पड़ेगा 1 वीक का, बीच में इम्प्रूवमेंट पता चलेगी ना। और एक बार एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन भी करानी पड़ेगी एक बार। किसी के पास रहता है? नहीं, ये ऐसे ही है जंगल जैसा, वहाँ पे पत्थर के नीचे इसने अपनी जगह बनाई हुई है। खाना खा जाएगी माँ के साथ, और फिर माँ अलग सोती है, ये अपना अलग सोती है। नेक्स्ट सर्जरी तक हमारे पास एक स्पेस है, कल इसको लेने आने वाले थे हम। हाँ, मैंने इसकी माँ भी दोनों को, ठीक है। तो खैर अभी इसको हम रख लेते हैं, क्योंकि इसके लिए जगह रखी थी हमने, इसकी माँ को कल हम ले लेंगे। उसके बाद इसकी एक्सरे हो जाएगी, एक्सरे के बाद हम सिचुएशन बता देंगे कि रिकवरेबल है कि नहीं है, ठीक है ना। और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हम वहीं आकर करेंगे रोज। कल सर्जरी प्लान इसकी, तो माँ ही आएंगे ना कल, दोनों साथ में ले लेंगे। थैंक यू गाइस। थैंक यू।